नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और हम पेट की तैयारी के अंतर्गत आज हम देखेंगे भारत के गवर्नर जनरल कौन कौन रहे हैं और उनमें से जो क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो आज का टाइटल है भारत के गवर्नर जनरल। वैसे तो काफ़ी गवर्नर जनरल रहे थे, लेकिन जहाँ से आपके क्वेश्चन उठते हैं, जहाँ से पूछा सकते हैं, हम वही क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं। भारत के प्रथम जो थे गवर्नर जनरल वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। देखते रहिए पूरा वीडियो, इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे बच्चा। वॉरेन हेस्टिंग्स भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और इनका कार्यकाल था 1772 से 1785। ये इनका कार्यकाल था भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे, 1772 से 1785 थे। और लॉर्ड कॉर्नवालिस, अब हम वो गवर्नर जनरल जिनके समय में महत्वपूर्ण कार्य हुए वो बताएंगे आपको। ठीक है, सीरियल से नहीं बता रहे हैं, प्रथम हमने आपको बता दिए। तो कॉर्नवालिस के 1786 से 1793, तक कार्यकाल था लॉर्ड कॉर्नवालिस का। और कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया इन्होंने, कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया। और 1793 में स्थाई बंदोबस्त लागू किया, स्थाई बंदोबस्त, ठीक है, कृषि व्यवस्था में स्थाई बंदोबस्त ये लागू किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। दो काम इनके हो गए, फौजदारी और जिला अदालत इन्होंने और क्या किए, फौजदारी जिला अदालत, ठीक है, पुलिस विभाग, दरोगा पद का सृजन, पुलिस विभाग की स्थापना की, थानों की स्थापना की, दरोगा पद का सृजन किया। तो ये सब हुआ था आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। देखिए, इस तरह पूछा था, कॉर्नवालिस कोड लगा, 1786 से 1793 कार्यकाल रहा, स्थाई बंदोबस्त है, फौजदारी, जिला अदालतें, पुलिस विभाग और दरोगा पद, ठीक है, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के वो कॉर्नवालिस के समय में थे। और देखेंगे हम अगला है लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 इनका कार्यकाल था लॉर्ड वेलेजली का। और इन्होंने सहायक संधि की शुरुआत की थी, किसकी सहायक संधि की शुरुआत की थी। और टीपू सुल्तान को इन्होंने मारा, इन्हीं के समय में मारा गया इनसे युद्ध में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कर देता हूँ, देखिए टीपू सुल्तान मारे गए थे, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, ये पूछा सकता है 1799 में। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, फोर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, कहाँ हुई थी, कलकत्ता में हुई थी, किसके समय में हुई थी, लॉर्ड वेलेजली के समय में। सहायक संधि, टीपू सुल्तान, फोर्ट विलियम कॉलेज, ये महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंक देखेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 से 1835 तक इनका कार्यकाल था लॉर्ड विलियम बेंटिंक का। और सती प्रथा का अंत किया था इन्होंने, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का अंत क्या था 1829 में। ये पीसीएस में आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये अभी पीसीएस जो थी परीक्षा हुई थी उसमें ये क्वेश्चन आया था,
सती प्रथा का अंत 1829 लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया। अच्छा अगला है लॉर्ड डलहौजी देखेंगे हम। लॉर्ड डलहौजी, डलहौजी के समय की देखिए, देखिए लॉर्ड डलहौजी के समय में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। ठीक, लॉर्ड डलहौजी के समय में देखिए 1853 में पहली रेलगाड़ी चली थी इनके समय में। ठीक है, और डाक टिकट का प्रचलन शुरू किया इन्होंने। प्रचलन पहली रेलगाड़ी 1857 में मुंबई से थाने कितना 34 किलोमीटर। ठीक है, डाक टिकट का प्रचलन किया था लॉर्ड डलहौजी ने, और लोक सेवा की स्थापना की थी। लोक सेवा आयोग की स्थापना किस समय में हुई? लॉर्ड डलहौजी के समय में स्थापना। चलिए अच्छा ठीक है, फिर नेक्स्ट सेशन बताएंगे आपको। ओके।